से देखा। गिरधर जी, गिरधर और सुन, वो वहां पर जो रखे ना पिछले 15 मिनट से जो सुरेश वाले की एक्टिंग कर रहा है, उसे कह रहा है कि जरूरी बात को ध्यान, तू क्या कर रहा है? मैं जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, जाना जा रहा हूँ, तो बात कर ले, मैं बात करती हूँ, बात बात जा। अरे बेकार की बात है, थैंक यू। फिलहाल नित्यम और रक्षम हम दोनों में तो मस्ती मजाक चलता रहता है, बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूँ एज रक्षम की नित्यम और सावी एक हो जाए। अपनी लव स्टोरी साइड में संभाल रहा हूँ सोनम के साथ। अब ये सीन ऐसा था कि नित्यम को कुछ चीज़ें मानव के बारे में पता चल गई है जो मैं जानता हूँ। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है कि उसका एक पहलू क्या है, दूसरा क्या है। अब बेसिकली लाइट सीन था कि नित्यम साविक का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मैं आ जाता हूँ और मैं उसके दिमाग में बार बार वही आइडिया डाल रहा हूँ कि वो सावी के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है, और मैं चाहता हूँ कि वो खुद से ये बात एक्सेप्ट करे। आई थिंक मेरे लिए फ़िलहाल वही काम है कि उसको वो एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाना, जो कि मेरा एज रक्षम प्रयास जारी है शो में। डर तो वैसे तो होगा क्योंकि, लेकिन अभी ये बहुत ही ताज़ा है कि पता नहीं डिम्पी का बच्चा जो है वो है भी या नहीं, वो है तो किसका है, ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे एपिसोड में खुलासा इन चीज़ों का होगा। सो आई थिंक या इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द शो अहेड। और रक्षम के बारे में भी एक राज अब जल्दी खुलने वाला है जो बुआ दादी बताएंगी, जिसके बारे में आप काफ़ी एपिसोड्स में आप देख रहे हैं कि वो राज क्या है। आई थिंक उसके बाद काफ़ी चीज़ें घर में चेंज होगी, काफ़ी रिलेशंस घर में चेंज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक पूरा घर आई थिंक धीरे धीरे हिलने वाला है, ऐसा लग रहा है। आई वुड जस्ट लाइक टू से थैंक यू टू ईच एंड एवरी फैन एंड फॉलोअर ऑन अ पर्सनल लेवल एंड ऑन बिहाफ ऑफ द होल कास्ट एंड क्रू, दैट आपने इतना प्यार दिया है आज तक। इवन इन माई पर्सनल लाइफ सिंस लास्ट 8 years यू हैव बीन शोइंग कॉन्स्टेंट लव एंड सपोर्ट, एंड दैट मीन्स ट्रूली अ लॉट टू एनी आर्टिस्ट हू हैज़ बीन ट्राइंग टू डू गुड इन द इंडस्ट्री। एंड बस ऐसे ही आप प्यार बरकरार रखिएगा। एंड नाउ द टाइमिंग्स आर 6 to 6:30 मंडे टू संडे, ज़रूर देखिएगा शो। एंड वॉट एवर योर रिस्पॉन्सेज आर, योर रिव्यूज़ आर, प्लीज़ डू शेयर इट विद मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स, एंड मैं कोशिश करूँगा कि हर किसी के साथ उतना ही यू नो प्रॉम्प्टली आई रिएक्ट एंड आई कैन रिप्लाई। बट थैंक यू सो मच ऑल द फैन पेजेस, ऑल द एडिट्स, एवरी थिंग। आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड वी ट्रूली एवरी ईच वन ऑफ अस यू नो वी आर ओवरवेल्म्ड, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर टू ऑल ऑफ यू दैट आप इतना समय निकाल कर हमारे लिए ये कर रहे हो ताकि हम आपको एंटरटेन कर सकें। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।